बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ही हेल्पफुल होने वाली हैं 2024 में, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड होम अफेयर्स वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मोस्ट जेन्युइन स्टूडेंट्स ही आए जिनको फर्दर उनके डिग्री प्रोग्राम के ओवर होने के बाद वो पीआर के पाथवेज या ऑप्शंस भी दे सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज सलमान चौधरी एंड यू ऑल आर वेरी वॉर्म वेलकम एट नॉर्थ पोल कंसल्टेंट्स। एट नॉर्थ पोल कंसल्टेंट्स वी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन एंड कैरियर काउंसलिंग। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, कंसल्टेंट्स को, एजेंट्स को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। जिन स्टूडेंट्स ने अक्टूबर नवंबर की 2023 की इनटेक में अपनी वीज़ा फाइल सबमिट की थी उसके अगेंस्ट उनको डिसीजंस जो हैं वो अभी तक नहीं मिल रहे। फिर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने रूल्स को चेंज किया, एम्बेसी ने इंटरव्यूज स्टार्ट कर दिए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया ने चेंज की हैं। एंड टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ही हेल्पफुल होने वाली हैं 2024 में, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड होम अफेयर्स वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मोस्ट जेन्युइन स्टूडेंट्स ही आए जिनको फर्दर उनके डिग्री प्रोग्राम के ओवर होने के बाद वो पीआर के पाथवेज या ऑप्शंस भी दे सकें। अब हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में इस चीज़ को क्लियरली मैंशन किया था कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जो है वो नवंबर के सेकेंड या थर्ड वीक के बाद आपको आपके वीज़ा एप्लीकेशंस के अगेंस्ट रिस्पांस देना स्टार्ट कर देगी। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो उनके वीज़ाज़ के अगेंस्ट डिसीजंस आने स्टार्ट हो गए, उनको उनके जो वीज़ाज़ के अगेंस्ट डिसीजंस थे वो मिलने स्टार्ट हो गए। और इसमें अभी भी बहुत सारी तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टिल वेट कर रहे हैं, उनको उनके सब क्लास 500 के अगेंस्ट डिसीजंस नहीं मिल रहे। तो स्टूडेंट्स बार बार हमसे इस चीज़ को पूछ रहे हैं, पेरेंट्स पूछ रहे हैं, बिकॉज दे आर क्वाइट कंसर्न अबाउट इट। देखें, एक तो 2023 में जो बैकलॉग एप्लीकेशंस का था वो बहुत ज़्यादा था, फिर जो इन्होंने अपनी चेंजिंग्स की थी, स्पेशली जो इनके लूप होल्स थे सिस्टम के अंदर जिसकी वजह से ये GST लेके आ रहे हैं, उन लूप होल्स को इन्होंने बंद किया और अब वो आपके डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो आपके एकेडमिक से रिलेटेड हों या आपके वीज़ा एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हों, उन सब को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो डिलीवर की थी कुछ टाइम पहले, उसमें इंटरव्यूज़ का मैंने जिक्र किया था कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए हैं, तो वाकई ये स्टूडेंट्स के अब इंटरव्यूज़ भी ले रहे हैं और ठीक ठाक किस्म के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। उसमें वो आपको हर चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं। अगर आपने किसी किस्म के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह, लेटर वगैरह यूज़ किए हैं, उनको वो स्टूडेंट से भी कंफर्म कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशन से या आपके एम्प्लॉयर से भी कंफर्म कर रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स को भी वो अच्छे तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं, फ़ोन करके भी कर रहे हैं, ईमेल्स के थ्रू भी कर रहे हैं, बिकॉज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई हुई हैं, कुछ की टेलीफोन्स भी हुई हैं, मोस्टली की जो हैं वो ईमेल्स के थ्रू हुई हैं। तो इस वजह से जो है वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का जो रिस्पांस लेवल है वो एज़ कंपेयर टू प्रीवियसली वो स्लो है, बट डोंट वरी, डेफिनेटली उन्होंने आपसे पैसे चार्ज किए हैं, वो हर उस एप्लीकेशन को जो वहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हुई है उसके अगेंस्ट अपना डिसीजन देने के पाबंद हैं, बट इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी वजह से हम आपको ये काफ़ी टाइम से चीज़ बताते भी आ रहे हैं, एडवाइस भी करते आ रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसको किसी आउटसाइड सोर्सेज से मैनेज मत करें जहां पे आपको फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अपने फंड सिक्योर करने में इशू हो। अब जिन लोगों ने बैंक स्टेटमेंट्स आउटसाइड से अरेंज की थी, डेफिनेटली वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ही आपको ये फैसिलिटी देते हैं, उसके बाद या तो वो आपके पैसे विड्रॉ कर लेते हैं अमाउंट आपके अकाउंट से या फिर वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर ऐसे जिन्होंने अपने केसेस को राउट किया, लोगों ने उनको मिस गाइड किया, डन बेस वाले हजरात जो थे मोस्टली, तो ये सारे का सारा सिस्टम उन्हीं लोगों ने ख़राब किया ना, वो अब आपके अकाउंट में पैसे तो नहीं होल्ड कर सकते। तो यहाँ पे आके स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जब बैंक स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन हो रही है
तो कुछ के फंड्स अवेलेबल नहीं है, कुछ के फंड्स जो हैं वो उस अमाउंट में अवेलेबल नहीं है जो उन्होंने मेंशन किए हैं या जो रिक्वायर्ड हैं, तो वहां पे आके भी उनको रिफ्यूजल्स का सामना करना पड़ रहा है। बट वंस अगेन, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, डेफिनेटली टाइम तो ये ले रहे हैं, लेकिन उसकी रीजन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हर चीज को वेरीफाई करके उसके बाद ही आपको वो अपने डिसीजन से आगाह करेंगे जी। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपने 2024 की प्लानिंग कैसे करनी है? देखिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, स्पेशली 2024 के हवाले से डिटेल में डिस्कस की हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी वो वीडियोस देखें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, 2024 की इनटेक से अगर आप ऑस्ट्रेलिया में प्लान कर रहे हैं, अगर आपके पास फंड्स अपने हैं, आप एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उन फंड्स को होल्ड कर सकते हैं, तो आप फिर ही ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करें। अदरवाइज आप यूके को कंसिडर कर लें, आप कनाडा को कंसिडर कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई ना करें, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी आपके इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से वेरीफाई करेगी, उसके बाद फिर जाके वो आपको आपकी एप्लीकेशन के अगेंस्ट डिसीजन देगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग 2024 एडमिशन, के जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपनी जीटी के लिए बैंक स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को चेंज किया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपसे 8 वीक्स, कुछ 12 और कुछ 16 वीक्स तक की जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो मांग रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर आपने अपनी एप्लीकेशन को ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में भी रिगार्डिंग स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कोई क्वेश्चन है, तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट आवर ऑफिसेज बेस्ड इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड कैलगरी, कैनेडा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।